कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। ताडम रमो सिद्धाडम रमो आईरियाडम रमो वैझायाडम रमो लोये सब साहूडम। पावन पंच परमेश्वरी भगवान की जयकार। अच्छी तरह से दोनों ठक लगाएं। जय बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनेर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की,
परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मथुरा जी, जहां पर एक नहीं अनेकों अनेक उपलब्धियां यहां से जैन समाज को प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले तो जो 9वें नंबर के नारायण हैं कृष्ण जी, उनकी जन्मभूमि भी है। अजितनाथ भगवान की तपोस्थली अतिशय स्थली भी है, जम्बू स्वामी की मोक्ष स्थली भी है, और शांतिनाथ विधान को जन्म देने वाली नगरी कोई है तो यह मथुरा 84 है कि सबसे पहला शांति विधान कहीं पर हुआ था तो यहीं पर हुआ था और यहीं रचा गया था। सेठ सुमति ने जब वहाँ पर आप पढ़ते हैं शांति विधान के प्रारंभ में सारी चीज़ें आती हैं, और इन सब के साथ में सबसे बड़ी हमारे संघ को उपलब्धि ये हुई कि जो बड़े गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज थे, उनका आचार्य पदारोहण के बाद में, जैसा कि महाराज ने मुझे दिल्ली में बताया था कि सबसे पहला चौमासा यही मथुरा सिद्ध क्षेत्र में हुआ था, और महाराज तो तपस्या के सागर थे, उन्होंने पूरे चतुर्मास में मात्र मूंगफली आहार मिली थी, मूंगफली का आहार उन्होंने पूरे 4 महीने किया था। ऐसे जम्बू स्वामी जी की मोक्ष स्थली में जो हर 4 साल में लीप ईयर जब जब 29 फरवरी आती है तो महामस्तक अभिषेक होता है, और उसी श्रृंखला में आज आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का भी संघ सहित यहाँ पर आना हुआ, और साथ ही साथ में महाराज के ही सानिध्य में, क्योंकि अभी तक तो हम संघ में थे, संघ के साथ चले थे, लेकिन आज से हम भी महाराज जी के संघ में ही हो गए हैं, तो पूरा महाराज जी के संघ में ही सारा का सारा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो रीम बेदी आप देख रहे हैं, सुंदर सी बेदी, आप जब शांति विधान पढ़ते हैं तो उसमें रीम कार नमस्ते आता है, तो आप लोग जब यहाँ विधान करते थे तो रीम कहीं पर नहीं था, तो अगले बार जब विधान करोगे तो रीम बेदी की ओर देखोगे और साथ में नमस्कार करोगे। सुंदर सी रीम की बेदी बनी, जिसका आगामी 24 तारीख से पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, 28 तारीख को भगवान पद्म प्रभु जी के मोक्ष कलंक पे यहाँ मोक्ष कलंक होगा, और 29 फरवरी से जो आपका चतुर्थ महामस्तकाभिषेक है वह संपन्न होगा, और आज निश्चित रूप से पावन भाग सौभाग्य का दिन है कि आज गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी महाराज भी संघ सहित यहाँ पर पहुँचे, और निश्चित रूप से आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज ने उस समय 4 महीने से अपनी तब से मथुरा को पवित्र किया था, और अब महाराज जी के सानिध्य में तो फिर से मथुरा नगरी तृप्त होगी, और निश्चित रूप से जैसे आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज ने तपस्या करी थी करते थे उसी प्रकार से आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के द्वारा भी हम लोग ज्ञान ध्यान अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अभी समय और भी है, दोपहर में या जैसे महाराज जी आदेश करेंगे फिर सुनेंगे फिर कार्य करेंगे। तो यही कहता हूँ कि ये समागम बड़ी मुश्किल से मिलता है, आपको पता है पिछले 4 साल पहले भी संघ को लेने आए थे लेकिन संघ नहीं आ पाया, कोरोना काल चल गया, उसके पहले जब गुरुजी दिल्ली में थे सिद्धांत सागर जी महाराज जी जब भी आप लोग आए थे लेकिन कुछ कारण से उसमें नहीं पहुंचे, तो बड़ी मुश्किल से 12 साल बाद हम ही पहुंच पाए हैं, और महाराज जी तो लगभग पहली बार ही यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये आपके जीवन का पुण्य है। और आचार जो मैंने बताया था परसों भी आपको कि आप देखते हैं कि मथुरा नगरी वह नगरी है, यहाँ पर जैसे कि कोई व्यक्ति बम्बई से दिल्ली जाता है तो उसको मथुरा अपने आप पड़ता है, उसको आने का मन हो ना आने का मन हो, उसी प्रकार से मथुरा सिद्ध क्षेत्र हाईवे पर है, तो जो भी साधु गुजरते हैं आप आओ ना आओ हम तो भगवान के दर्शन करने अपने मन से आ ही जाते हैं। और एक सुंदर सी बात जो पहले भी मैंने बताई थी आपको कि आचार्य महाराज के द्वारा हम लोगों के द्वारा प्रतिमाओं को सूर मंत्र देकर पूजनीय बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मथुरा में छात्रावास में प्रतिमाओं को
पूजनी बनाने के लिए जो प्रतिष्ठाओं का काम होता है वह पंडित भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज यहाँ पर निश्चित रूप से महाराज जी का आगमन हुआ है और यहाँ पर आने वाले समय में जैसा महाराज जी आदेश देंगे उस हिसाब से सारे काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जय बली गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। ओम नमो जिनाणम। जय मंगल भूदानम विमलाणम नानदंसनमयाणम त्रैलोक सेहराणम नमो सया सब सिद्धाणम आदि सायर सोरिम सोरिम महावीर कीर्ति मुनि पवरम विमलम सम्मदि सोरिम मुत्तिपहम नायगम वंदे मुत्तिपहम नायगम वंदे। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता ऋषभ देव भगवान की, मथुरा में विराजित मूल नायक अजितनाथ भगवान की, आज जिनका जन्म और तप कल्याणक महोत्सव है अभिनंदन नाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, आरिका संघ की, नमोस्तु। क्यों सांसों को मिट्टी में मिला रहा है, क्यों लम्हों को पानी में बहा रहा है, क्यों तू भगवान को भुला रहा है, तेरा सौभाग्य है, सौभाग्य तुझे बुला रहा है। ऐसा अद्भुत सिद्ध क्षेत्र है यह मथुरा, जहां जम्बू स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा निर्वाण कांड में, अंतिम अनुबद्ध केवली यहां से मोक्ष पधारे, सप्त ऋषि मुनिराजों के प्रसाद से यहां पर दुर्भिक्ष दूर हुआ था। सौभाग्य बता रहे थे दुनिया में सबसे पहली बार यदि कहीं शांति विधान हुआ तो वह है मथुरा नगरी। उसके बाद से शांति विधान हुए, अजितनाथ भगवान की तपस्थली है और महावीर भगवान की समोषण की स्थली भी है। एक गांव मिला महाराज जी रास्ते में, उसका नाम था चौमुहा। चौमुहा का मतलब क्या होता है? चौमुहा का मतलब ये प्राकृत भाषा का शब्द है, इसे संस्कृत करेंगे तो चतुर्मुखा निकलेगा। चतुर्मुख कब होता है, किसका होता है? जब तीर्थंकर भगवान समोषण में बैठते हैं तो चतुर्मुख होते हैं। महावीर भगवान का समोषण आया होगा, अजितनाथ भगवान का समोषण आया होगा, जम्बू स्वामी की गंध कुटी लगी होगी और गांव जहां वह बहुत मंगलकारी समोषण गंध कुटी विराजित हुई होगी उसका नाम क्या पड़ गया? उसकी थोड़े से आगे देखें तो शेरगढ़ है। शेरगढ़ का मतलब होता है शेर, चिन्ह किसका है? यहां कोई शेर तो है नहीं, यहां कोई हजारों की संख्या में शेर रहे नहीं, शेर तो गिरनार जी गिर के जंगल में रहते हैं। और यहां यदि किसी गांव का नाम शेरगढ़ है तो इसका मतलब है कि शेर चिन्ह के धारी महावीर स्वामी का यहां पर समोषण जरूर आया है। बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं, बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं। नारायण श्री कृष्ण की यह जन्मभूमि है, नवी नारायण नैमिनाथ स्वामी की यह प्रवास भूमि है,
मथुरा से अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं, अनेकों व्यथाएं जुड़ी हुई हैं। सौभाग्यशाली हैं कि आप संतों को लेने जाएं ना लेने जाएं, जिन्हें दिल्ली से मुंबई तरफ जाना है, दिल्ली से बुंदेलखंड तरफ जाना है, मध्य प्रदेश तरफ जाना है, उनको मथुरा आना ही आना है। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी के शिष्य सौभाग्य सागर जी आचार्य श्री और शशांक सागर जी और हम सब गुरु भाई, इस माटी का योग तो देखो कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सम्मुख है। छोड़ी तिथि हमारी आगे पीछे हो रही थी, फिर महाराज जी ने भी सुझाव दिया कि आप इसी तिथि में पधारें तो ज्यादा अच्छा होगा, पंच कल्याणक में भी हमें भी लाभ मिलेगा, हमारा तो उपस्थिति रहेगी, सारी बातें महाराज जी बताएंगे कि ऐसे करिए या वैसे करिए। तो मुनिराज आचार्य श्री प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देंगे। मुनिराज आचार्य श्री प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देंगे और यहां जो गुरु कुल खुला है उसमें प्रतिभाओं को सूर्य मंत्र दिया जाता है। इन प्रतिभाओं को सूर्य मंत्र दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। गुरु सूर्य मतलब गुरु, आचार्य प्राचार्य उन्हें पढ़ाते हैं और वो एक दिन जिन धर्म की कर्णधार बनते हैं, विद्वान बनते हैं, उनमें से कोई मुनिराज बनते हैं, कोई प्रतिष्ठाचार्य बनते हैं। अभी हमें बता रहे थे वो गजेंद्र कहाँ है, गजेंद्र एक 3 साल आज ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।